शब्द ब्रह्म, शब्द रूप में भगवान पूर्ण रूप में विराजमान है नाम में। अब साधन जो है वो अलग अलग पद्धति अनुसार गुरु परंपरा से प्राप्त जो नाम साधन पद्धति है उसके आधार पर ही नाम अपने स्वरूप को प्रकट करते। नाम है अनंत, नाम है अनंत, लेकिन गुरु प्रदत्त गुरु परंपरा से जो जिस तरह से अपने साधन पद्धति के अनुसार नाम अपने स्वरूप को साधक के सामने प्रकट करते हैं। और चिंतन भी कोई कोई है, दूसरा कोई चिंतन नहीं, नाम को ही चिंतन करते हैं, नाम को ही पूर्ण ब्रह्म भगवान का स्वरूप जान करके नाम में ही मन को तल्लीन करके नाम का ही उपासना करते हैं, ध्यान धारणा चिंतन जो भी है नाम में ही डूब जाते हैं, डूबने का चेष्टा, ये भी प्रक्रिया अच्छा है। लेकिन साधारणतः क्या होता है, नाम को हम लोग एक शब्द रूप में ले लेते हैं, साधारण हम जैसे कोमल श्रद्धालु साधक के लिए कभी कभी नाम को एक शब्द रूप में ले लेते हैं, इतना नाम करते हैं, नाम का तो कोई क्रिया नहीं, नाम का तो कोई प्रकाश नहीं, नाम का कोई अनुभव नहीं, कहते हैं नाम भगवान के चिन्मय रस विग्रह स्वरूप, नाम नामी अभिन्न, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, नाम के प्रति थोड़ा सा अनादर बुद्धि आ जाती है, अनादर बुद्धि, तो यहाँ लेते हैं नाम करते हैं, लेकिन वो भावना लेकर के, वो विश्वास लेकर के, वो आदर बुद्धि लेकर के नाम को चिंतन करना ये होता नहीं। फिर एक हम लोग एक लीला रस लीला विषयक जो चिंतन उसमें थोड़ा मन लगता है, इसीलिए कोई कोई साधन पद्धति में तो लीला चिंतन ठाकुर जी की नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन, चिंतन के साथ साथ नाम करने का जो प्रक्रिया, ये भी प्रक्रिया बताई गई है। तो नाम अपने गुरु परंपरा से प्राप्त साधन पद्धति अनुसार नाम साधन करने से नाम अपने स्वरूप को साधक के साधन के अनुसार प्रकट करते हैं। मान लीजिए कोई निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना उनका उपासना पद्धति है, वो लीला लीला चिंतन आदि की उनमें रुचि नहीं, वह उनका साधन में उसका कोई आवश्यकता वो दिखती नहीं है, वो उसी में डूबना चाहते हैं, तो नाम उसी में ही डुबा देंगे, तो उसी रस में डुबा देंगे, ऐसा कर सर्व समर्थ भगवान के समस्त गुणों से परिपूर्ण भगवान के चिन्मय घन रस विग्रह वो सर्व समर्थ साधक के भावना अनुसार नाम उसी तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं। नाम ऐसे है, पहले लगता है जो नाम एक शब्द है, फिर भी हम करते हैं, लेकिन धीरे 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 नाम हम कैसे भी हम समझ लेते हैं, साधारणीकरण कर लेते हैं, लेकिन नाम चिन्मय होने का कारण नाम करते करते धीरे धीरे चित्त शुद्धि होना शुरू हो जाता, चित्त शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, चित्त शुद्ध होने से फिर धीरे धीरे नाम अपने स्वरूप को अपने गुरु प्रदत्त जो स्वरूप है उसको धीरे 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 प्रकट करना शुरू करते हैं, उसके सामने उसके हृदय में प्रकट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जो माधुर्य रस की उपासना उसके सामने भगवान जुगल किशोर रूप में वो नाम करते करते वो लीला रस आदि वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उसी में वो तल्लीन हो जाता है, धीरे धीरे नाम भी चलता रहता है, लीला भी सामने झलक खिलना शुरू हो जाता है, ये स्वाभाविक हो जाता है। ये भैया कह रहे थे जो नाम चलता है और लीला चिंतन भी चलता है दोनों कैसा हो सकता है, दोनों एक साथ, बोलता है ना वो ऐसे ही गुरु कृपा वो स्वाभाविक हो जाता है, नाम ऑटोमेटिक जैसे हमारे सामने कोई टेप रिकॉर्ड चल रहा है, नाम भी हम सुन रहे हैं और कुछ चिंतन भी कर रहे हैं, जैसे दोनों एक साथ हो सकता है ऐसा ही नाम हमारे भीतर हम जो जप रहे हैं वो जप भी चलेगा साथ साथ चिंतन भी चलेगा, ऐसा है। नाम छोड़ के चिंतन चिंतन का एक तो क्रिया तो है ही है, जैसे हम चिंतन करते हैं उसका अवस्था हमारे भीतर हमारे इंद्रियों पर अणु पर मनु में उसका प्रकट होता है,
जैसे मान लो हम चिंतन कर रहे हैं, हम इमली खा रहे हैं या नींबू खा रहे हैं नमक से, अब चिंतन करो जीभ में डाल रहे हैं नींबू, बहुत खट्टा, दो मिनट के अंदर पानी मुंह में पानी आ जाएगा। कैसे आया पानी? हम तो नींबू खाया नहीं, लेकिन हमारे मुंह में पानी कैसे आ गया? चिंतन का ये ऐसे फल है, वो पूरा अनुपरमाणु क्रियाशील होकर के उसका असर दिखने लगता है। ऐसा किसी किसी से हमारा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हो गया, उसका चिंतन करते रहिए, चिंतन करते 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 शरीर में क्रोध आ जाएगा। ऐसे ही चिंतन का जो क्रिया हमारे अनुपरमाणु में आकर के बाहरी प्रतिक्रियाशील होकर के उस असर दिखने लगता है, ऐसा ही चिन्मय स्वरूप भगवान के नाम भगवत चिंतन करते हैं, नाम करो या भगवत लीला चिंतन करो, तो चिंतन का भी ऐसे ही असर दिखने में आता है। धीरे धीरे हमारे अनुपरमन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बहुत तन मन दे करके जब हम गंभीर रूप से हम उनमें तल्लीनता प्राप्त हो करके तल्लीन हो करके हम लीला चिंतन करते हैं, तो चिन्मय रस स्वरूप होने का कारण, चिन्मय चिंतन करने का कारण हमारे भीतर भी कोई परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जोरियो अवस्था से मुक्त होकर के हमको चिन्मय दिशा में ले जाते हैं, हमारे स्वरूप के तरफ हमको ले जाते हैं। चिंतन का ऐसी क्रिया है, इसीलिए चिंतन प्रधान है, नाम के साथ साथ चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक राजा था, वो बहुत प्रजावत्सल था, तो प्रजावत्सल होने का कारण राजा रात को अंधेरे में फटा पुराना कपड़ा पहन के ऐसे निकल जाते थे, जो देखते थे आप अपना प्रजा लोग कहाँ कौन कैसे दुखी है, कौन कैसे है, थोड़ा तत्वावधान करते थे, तो कहीं देखते थे कोई दुखी है तो जाके उसका दुख निवारण करने के लिए राजा चेष्टा करते थे, सहयोग करते थे। इस तरह से राजा बहुत प्रजावत्सल होने का कारण, और ये सारा राज में ये प्रचार हो गया, राजा बहुत प्रजावत्सल, राजा के पास जा करके जो कोई कुछ भी मांगता है राजा उसको पूर्ण कर देते हैं, उसको परिपूर्ण कर देते हैं। राजा का बहुत नाम है, बहुत आदर करते हैं सब, राजा का नाम सुनते ही सब गदगद हो जाते हैं, सभी राजा से मिलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। एक दिन राजा क्या हुआ, रात का अंधेरे में निकल गए हैं, निकल के जा रहे हैं, देखते हुए एक अंधा जा रहा है लट्ठी लेकर के, बहुत रात, बोलते हैं भैया तुम कहाँ जा रहे हो इतना रात में? तो बोलते हैं भैया हम तो अंधा है, अंधा का दिन और रात क्या है, अंधा का दिन और रात बराबर है, हम चल दिए हैं, भाई कहाँ जा रही है इतना रात में, तो सब सोए हुए हैं, तुम कहीं तो उद्देश्य लेकर तो कहीं जा रहे हो, जाना चाहते हो, कहाँ जाओगे? नहीं हम राजा के पास जाएंगे, इतना अंधकार में रात में तुम जा रहे हो, जानते हो राजा कहाँ रहते हैं, राजा का दरबार तुम गए कभी? बोले ना हम तो कभी गए नहीं। अरे कभी गए नहीं फिर जा भी रहे हो? बोलता है नहीं चल रहे हैं, उद्देश्य लेकर के राज दरबार पे जाएंगे, राजा से मिलेंगे, राजा बहुत भक्त वत्सल है, प्रजा वत्सल है, राजा से मिलेंगे तो राजा हमारे समस्त दुख को दूर कर देंगे, इस आशा लेकर हम चल रहे हैं। बोलता तो चल रहे हो कहाँ, कैसे उनके पता जानते हो? वो पता तो नहीं जानते। अरे भाई पता नहीं जानते हो फिर चल रहे हो? बोले ना चल रहे हैं, रास्ते में कभी ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए जो राजा को जानते हैं, राजा का पता जानते हैं, तो हमको पता बता देंगे, तो फिर हम धीरे धीरे कभी ना कभी हम पहुंच जाएंगे, इस आशा लेकर हम चल रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा, दृढ़ विश्वास है तो तुम्हारा, राजा के प्रति बहुत गंभीर श्रद्धा है, तुम जाओगे हमारे साथ, हम तुमको राजा के दरबार में ले जाएंगे। बोलते हाँ आप जानते हैं राजा को? बोलते हाँ खूब जानते हैं, राजा कह रहे हैं आप हमको ले जाएंगे राजा के पास? बोले निश्चित ले जाएंगे, तो चलिए हमको ले चलिए, तो तुम हमारा हाथ पकड़ो। तो राजा ने हाथ पकड़ा दिया और अंधा को लेकर के सुबह होते होते राज दरबार पे आ गए। कहते हैं आप तुम राज दरबार पे आ गए, अब बोलो तुमको क्या चाहिए, क्या बात है? नहीं हम राजा से मिलना चाहते हैं। कहते हैं मैं ही राजा हूं। अरे आप राजा है तो आपके इतना दूर आने का क्या जरूरत था, हम तो जहां आपसे मिले हैं वहीं पर आप बोल देते आप राजा है,
तो हम वहीं पर आपसे मांग लेते, आपको भी कष्ट करने का आवश्यकता नहीं है। तो इतना दूर आप ले आए हैं, बोलते हैं देखो उस समय अगर हम कह दें कि हम राजा तो विश्वास नहीं करते, किंतु तुम जानते हो राजा कभी रास्ते में टोलते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहन के राजा रास्ते में टोलते हैं, तुम्हारा विश्वास होता नहीं, इसीलिए हमने हाथ पकड़ा दिया, तुम हमारा हाथ पकड़ के चलो हम तुमको ले जाएंगे, हम ही राजा हैं, आप दरबार पे तुम आ गए हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो ऐसा ही नाम में रुचि नहीं, विश्वास नहीं, तो आचार्य ने कहते हैं हमारे है? शास्त्र में कहते हैं कि नाम को ऐसे भी जाने तरह कारण हो, तुम बस हरि नाम उच्चारण करते रहो, कैसे भी हो तुम भगवान का नाम उच्चारण करो, तो उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर नाम करते हैं, नाम करते हैं, नाम जो चिन्मय रस, धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होते होते धीरे धीरे नाम पूर्ण रस, रस के उसके आस्वादन होना शुरू हो जाता है, उसका विकार होना शुरू हो जाता है, भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि उनके सामने प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, झलक खिलना शुरू हो जाते हैं, स्फूर्ति दशा प्राप्त होकर आनंद रस में वो डूब जाते हैं, नाम ही करा लेते हैं, फिर नाम ही धीरे धीरे नामी रूप में उनका सामने प्रकट होते हैं, अलग नहीं, नाम और नामी अलग नहीं है, जो नाम नामी को प्रकट करा रहे ये नहीं, नाम ही नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक एक नाम उच्चारण करते करते प्रेम में डूब जाते हैं। हमारे एक बाबा थे जगत बंधु सुंदर नाम के, वो राधा नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे, राधा नाम उच्चारण करने का साथ साथ विकारित होकर के जहां तहां वहीं पर गिर जाते थे, नाम और प्रेम अलग नहीं, ऐसे उनको ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। तो नाम ही प्रेम, नाम ही जुगल स्वरूप, नाम ही लीला रूप में प्रकट होकर साधक को आनंद रस में डूब देते हैं। पहले लगता है जैसे शब्द, जैसे हम शब्दों का आश्रय करके उसको रट रहे हैं, लेकिन शब्द ही प्रेम रूप में, नाम रूप, नामी रूप में, लीला रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखो तुम जिसको आश्रय करके आए हो मैं वही हूँ, नाम ही पूर्ण रूप में उनके सामने अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, अलग नहीं, अलग भगवत्ता को प्रकट नहीं करते हैं, नाम ही भगवत्ता रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, हो जा करके उसको कृत कृत करते थे, ऐसा कहते हैं।